हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू बिग फैशन यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ये इसके बारे में हम एक बिगिनर लेवल पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको एक और चीज़ याद दिला दूँ यहाँ पे कि हम ये सारी चीज़ें जो है वो एक बिगिनर लेवल पर हम डिस्कस करें, काफ़ी ऊपर ऊपर से हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट है, ले लेते हैं होस्टिंग का कोई आपके पास एक टूल है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे अगर आपको ऑडियंस के पास जाना है तो आप क्या करेंगे कि सोशल मीडिया के थ्रू आप एड्स चलाएंगे, आप मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए, या फिर सेल, कोई भी आपका मोटिव हो सकता है उसके लिए आप एड्स रन करेंगे। तो यहाँ पे जो नॉर्मल वे है वहाँ पे क्या करते हैं कि हम गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इस तरीके से एड्स रन करके हमारा, मान लीजिए होस्टिंग का जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया था कि एक्स कंपनी का एक होस्टिंग टूल था जो वो एडवर्टाइज या सेल करना चाहते हैं, एंड वो क्या करेंगे यहाँ पे पेड एड्स यूज करेंगे, देन उसके थ्रू जो है वो फिर वहाँ पे जो भी कन्वर्जन है वो लाने का ट्राई करते हैं, अपने ऑडियंस तक रीच करने का ट्राई करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे ये तो अपना नॉर्मल अप्रोच हो गया। अब यहाँ पे एक और जो अप्रोच है वो ये हो सकता है कि आप इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करें। अब इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स वो लोग होते हैं जिनका एक सर्टेन सेट ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, एक नंबर होता है जैसे 50,000, 1 लाख, 1 मिलियन, जैसे कोई भी नंबर हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। तो इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जिनका एक कोई वो एक नीश रहता है उनका, एंड नीश के अंदर उनके एक लॉयल फॉलोअर्स होते हैं, मतलब जो इन्फ्लुएंस होते हैं फॉलोअर्स जो उनके हैं इन्फ्लुएंसर्स के, जो भी वो रेकमेंड करते हैं उससे। तो इन्फ्लुएंसर्स का मेन पॉइंट यहाँ पे सेल करना नहीं होता है, आपके प्रोडक्ट को रेकमेंड करना होता है उनके जो लॉयल फॉलोअर्स होते हैं उनको, ठीक है। अब नाउ कमिंग बैक टू हमारा एग्जाम्पल जो था, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक होस्टिंग टूल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स कंपनी थी वो क्या करेगी कि सेम उनका जो नीश है होस्टिंग टूल जो है उनके पास, उसके लिए वो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ढूंढेगी जो ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं या फिर अपने फॉलोअर्स के सामने रख सकते हैं। जैसे ऐसा कोई भी पर्सन जो वेबसाइट डेवलपमेंट में अच्छा हो या फिर जो वेबसाइट से रिलेटेड बात करता हो, जहाँ पे होस्टिंग इन्वॉल्व हो बेसिकली, SEO का भी कोई भी पर्सन हो सकता है। तो इस तरीके से जो इन्फ्लुएंसर्स या आप कह सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको हम अप्रोच करते हैं, एंड यहाँ पे उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, एंड प्रोडक्ट को वो क्या करते हैं कि फिर प्रमोट करते हैं। अब प्रमोट करने के लिए किसी भी फॉर्म में जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, वो आपका एक इमेज भी हो सकता है, एक वीडियो भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एंड मल्टीपल भी हो सकता है या एक पोस्ट भी हो सकता है, ठीक है। एंड ये इफेक्टिव कैसे होता है कि आप जनरली जो एड्स चलाते हैं वो ऑडियंस को टारगेट करके चलाते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे भी सेम ही चीज़ होती है कि आप बस एक पर्सन से कनेक्ट होते हैं जिनका जो ऑडियंस होता है वो आपके नीश से सिमिलर होता है, एंड आप जब उनको प्रोडक्ट देते हैं तो जो वो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो लॉयल फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। तो लॉयल जो फॉलोअर्स होते हैं उनके हो सकता है कि उनके बात से इन्फ्लुएंस हो। अब यहाँ पे बात आती है कि आपके एन इन्फ्लुएंसर के बीच में किस टाइप का डील हो सकता है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि आप उनको बताएं कि आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो आप पोस्ट कर रहे हैं, जो भी है, जिस भी टाइप का आप कॉन्टेंट डाल रहे हैं उसके लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट पे किया जाएगा। ये एक हो सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस बात पे हो सकती है, एक ये भी हो सकता है कि आप उनको एक सर्टेन अमाउंट पे कर रहे हैं पोस्ट करने का, एंड जो कन्वर्जन है अब उसके लिए यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं कि उनके थ्रू कितना कन्वर्जन आ रहा है, कोई लिंक के थ्रू या कैसे भी कूपन वगैरह, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि एक अगर सर्टेन अमाउंट आपके, पहले तो आप सर्टेन अमाउंट उनको दे रहे हैं, एक अमाउंट उनको आप जब वो पोस्ट करते हैं तब आप उनको देते हैं, एंड उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे उनके एंड से सेल आता है, मान लीजिए एक सेल आता है तो आपको एक कोई परसेंटेज जो है हम इसमें से आपको देंगे, 10%, 5%, कुछ भी हो सकता है वो अमाउंट, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपनी एंड इन्फ्लुएंसर के बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, या फिर वो म्यूचुअली एग्री करते हैं उस पॉइंट पे कि वो कैसे डील को आगे ले जाना चाहते हैं, कैसे इसको क्लोज करना चाहते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं, सो ये आप एक समझ सकते हैं, इसको बेसिकली हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे एक अब तरीके से देखेंगे तो एक विन विन सिचुएशन हो जाती है इन्फ्लुएंसर के लिए भी, एंड आपके जो कंपनी या जो मैन्युफैक्चरर या जो भी कंपनी हो सकती है उसके लिए एक विन विन सिचुएशन है। इन्फ्लुएंसर के लिए कैसी होती है कि अगर उसके पास मान लीजिए एक 50,000 या 1 लाख जो भी उसके पास फॉलोअर्स है उनके थ्रू वो उसको मोनेटाइज कर पा रहा है, उनको यूज कर पा रहा है, या फिर उनको रिकमेंड कर पा रहा है टूल्स को,
एंड उसके थ्रू वो अर्न कर पाता है। ठीक है, अब कंपनी के लिए कैसे विन विन सिचुएशन है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा एक टीम नहीं बैठानी पड़ती, एडवर्टाइजमेंट रन नहीं करना पड़ता, एनालिसिस नहीं करना पड़ता है, वो बस एक उनको बस इतना ये पता होना चाहिए कि उनकी ऑडियंस कौन है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को देख सकते हैं एंड फिर इन्फ्लुएंसर्स जो है उनके प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं एंड फिर अकॉर्डिंगली जो आगे का प्रोसेस होता है। फिर अब यहाँ पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अगर उसमें से एक मैं फैक्टर की बात करूँ तो ये फैक्टर है कि ऑडियंस जो है उनकी वो कितना इंगेज करी। अब यहाँ पे ये भी सिचुएशन हो सकती है कि मान लीजिए मेरे पास 50,000 फॉलोअर्स हैं एंड उसमें से जो है वो पूरी की पूरी ऑडियंस जो है वो डेड है, पर यहीं पे सेम टाइम पे एक ऐसा पर्सन है जिसके पास 10,000, 15,000 या 20,000 उसके पास फॉलोअर्स है, पर जो भी वो कंटेंट डालता है उसकी ऑडियंस उसमें एंगेज होती है, उस पर एक्शंस लेती है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं जो कंसिडर करने के लिए होती है ऑडियंस के अलावा। सो ये तो हो गया कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं ध्यान रखने के लिए, जैसे कि सबसे पहली चीज़ है कि इट्स नाउ नो लॉन्गर अबाउट सेलिब्रिटीज़। ये सिर्फ आजकल सेलिब्रिटीज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही जो मार्केटिंग है वो कर रहे हैं, आजकल बहुत से मार्केट में नैनो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जिनको ब्रांड्स प्रेफर करते हैं जो कि उनके बजट में बैठते हैं। सो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बेसिकली वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आजकल बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें और बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहली बात तो जो इसमें ध्यान रखने की है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में, वो है कि नोइंग योर ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे दो पार्टीज़ होती हैं, एक तो जिनको एडवर्टाइज़ कराना होता है और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स जो एडवर्टाइज़र होता है उसको तो पता होना ही चाहिए कि उनका नीश क्या है, उनके लिए कौन से ऑडियंस सही है, उनके प्रोडक्ट को वो किसे टारगेट कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट के लिए। पर साथ ही साथ जो इन्फ्लुएंसर है यहाँ पर, इन्फ्लुएंसर को भी पता होना चाहिए कि उसके पास जो इतनी बड़ी फॉलोइंग है, मान लीजिए छोटी से छोटी जो भी फॉलोइंग है उसके पास, वो क्या प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं, वो किस टाइप का प्रोडक्ट्स वो दिखा सकता है अपने ऑडियंस के सामने। सो अपने ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या एज ग्रुप है, किस टाइप के प्रेफरेंस है उनकी। सो ये सारा जो बेसिक डिटेल्स है अपने ऑडियंस के बारे में रखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स। अब ब्रांड्स जो है जब यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं कि उनका क्या प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपने नीश के अकॉर्डिंग फिर वो अपने, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे बजट हो सकता है, टाइमिंग हो सकता है, कुछ लोगों को प्लेस पे चाहिए होता है, उनके लोकेशन पे चाहिए होता है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। तो इन्फ्लुएंसर को वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसके लिए सेवरल पॉइंटर्स आर देयर, थोड़े उसमें डिलीवरेबल्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं जो एडवर्टाइज़र होते हैं वो इन्फ्लुएंसर में। अब यहाँ पर क्या हो चुका है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, वेबसाइट कह लीजिए उन्हें या कुछ भी कह लीजिए, प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स खुद को रजिस्टर करा सकते हैं एंड जो एडवर्टाइज़र होते हैं वो डायरेक्टली जाकर इन्फ्लुएंसर से वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना जो डील है वो वहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉन्टेंट एंड सपोर्ट टू इन्फ्लुएंसर्स। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको देने के साथ साथ आपको किस टाइप का कंटेंट है आपके पास, अगर अपने प्रोडक्ट रिलेटेड कोई रेफरेंस है या फिर आपके पास कोई ब्लॉग है, कोई डिटेल्स है, तो इन सारी चीज़ों का जो सपोर्ट है वो भी आपको इन्फ्लुएंसर्स को देना होता है, क्योंकि जो एडवर्टाइज़र होता है उसके पास ही सबसे ज़्यादा बेटर नॉलेज होती है जो प्रोडक्ट है उसकी। तो ये जो बेसिक सपोर्ट है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या प्रोडक्ट के अराउंड सॉरी या आपके ब्रांड के अराउंड, वो हमें जो सपोर्ट है वो इन्फ्लुएंसर्स को देना पड़ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। अब आपने कैंपेन रन करा दी या फिर आपने इन्फ्लुएंसर्स को दे दिया एक वीडियो रन करने के लिए, उस पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ये हो सकता है कि आपने सिर्फ एक जन को, एक इन्फ्लुएंसर को ना देके आपने मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स को दिया हो, तो यहाँ पे ये मॉनिटर करना कि कौन से इन्फ्लुएंसर का किस टाइप का जो कॉन्टेंट है वो चल रहा है, किस टाइप के कॉन्टेंट पर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सारा एनालिसिस करना हो गया या फिर आपके बजट का कैसा पड़ा, तो ये सारा जो मॉनिटरिंग है, ये जो सारा एनालिसिस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। सिर्फ प्रोडक्ट दे देना, वीडियो बन गया, उतना ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पार्ट नहीं होता है, इसमें ये भी पार्ट होता है कि आप उसको सही से मॉनिटर करें एंड एनालिसिस करें ताकि वो आपके लिए एक अच्छा फ्रूटफुल आउटपुट दे सके। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम इसी तरीके के और कॉन्टेंट के साथ आते रहते हैं। थैंक यू, फॉलो अस फॉर मोर।